Welcome back students with our new video that is from class 10th and the chapter is control and coordination and the topic is you can see here okay reflex action need of reflex action and reflex act. In this video we will talk about on these three topics. Okay, the first one and this the second one and the third one, reflex action, need of reflex action and reflex act. मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो आसानी से समझ में आए जो टॉपिक्स हैं. चलिए हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में. हालांकि मैंने अपने पिछली वीडियो में जो नर्वस एक्शन हैं, ठीक है, जो नर्वस एक्शन है उन नर्वस एक्शन के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, जैसे कि वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन. अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क. ओके, अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके व्यू से भी ये महत्वपूर्ण है. तो चलिए हम आप बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि रिफ्लेक्स एक्शन है क्या. नाउ You can see on your screen reflex action. Okay, here you can see reflex action. What a reflex action hai kya? Reflex action is quick. Point jo hai usko beta dhyan mein rakhna hai na. Koi bhi cheez badi nahi hoti hai. Agar aap mehnat karte ho, sahi disha mein karte ho, sahi samay par karte ho, to aapko safalta zarur milti hai. Okay, to reflex action kya hai? रिफ्लेक्स एक्शन इज क्विक सडन अचानक से होने वाला इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ हार्मफुल स्टिमुलस. सर जी हार्मफुल स्टिमुलस क्या है? हार्मफुल स्टिमुलस क्या है? अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि सर स्टिमुलस क्या होता है ना, रिसेप्टर क्या होते हैं, ठीक है, इफेक्टर क्या होते हैं, रिस्पॉन्स क्या होता है. तो बेटा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इन सब के डेफिनेशन को क्लियर किया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है. रिफ्लेक्स एक्शन इज क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ हार्मफुल स्टिमुलस. रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन है हमारे बॉडी से, ठीक है, जो हम जो क्विक होता है, सडन होता है और तत्काल होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, जो कि हमको एक हार्मफुल स्टिमुलस से बचाता है, हमारे शरीर को बचाता है. समझ में आ रही बात? इट इज नर्व मेडिएटेड ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एंड स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है टू अ स्टिमुलस एक्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक रिसेप्टर विदाउट कंसल्टिंग द विल. यानी कि बेटा इसमें जो है जो ये रिस्पॉन्स देगा ना तो वो ब्रेन से पूछने नहीं जाएगा कि ब्रेन भैया हमको करना क्या है, ठीक है. क्योंकि देखो आपको पता है बेटा कि जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसका एक तरह का इमेज तैयार होता है, वो एक प्रोसेसिंग होती है बेटा ब्रेन के थ्रू, ठीक है. फिर वो क्या होता है, ब्रेन मैसेज करता है, ब्रेन से मैसेज आएगा, फिर मोटर न्यूरोन के थ्रू जाएगा. तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और उसमें होगा बाबू डिले. डिले मैंने समझते हो, देरी होगा. अब जब देरी होगी ना तो बेटा इस स्थिति में हमारे बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है. इस वजह से रिफ्लेक्स एक्शन वैसे एक्शन होते हैं जहां ब्रेन से उसका कोई कंसल्ट नहीं होता, वो ब्रेन से कुछ भी पूछने नहीं जाता है, डायरेक्ट एक्शन देगा ताकि हमारे शरीर को बचाया जा सके. इट वॉज डिस्कवर्ड बाई मार्शल हॉल इन 1833. इसको आप याद रखना. रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस वेयर डिले कैन बी हार्मफुल. देरी अगर होगी ना बाबू तो ये हार्मफुल हो सकता है, ठीक है ना. अब मानकर चलो एक चीज आप बताओ मेरे को, यहां मानकर चलो बेटा यहां कोई कैंडल बर्न है, जल रहा है, ठीक है, कैंडल, और आप यहां पर क्या करते हो कि अपने हाथों से उसको टच करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, टच करने की कोशिश कर रहे हो. अब आप ये बताओ कि क्या ये जलती हुई मोमबत्ती जो है आपकी उंगलियों को जलाएगी कि नहीं जलाएगी, है ना, जला दे. तो यहां से मैसेज आता है, ठीक है, और जो सीएनएस का पार्ट है यानी कि
दो पार्ट होते हैं, आपको पहले भी बता चुका हूं, एक होता है आपका ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के पास जाएगा और बिना देरी किए मोटर न्यूरॉन को यह ऑर्डर दिया जाएगा इफेक्टर ऑर्गन को कि हाथ को पीछे हटाओ, ठीक है, हाथ को पीछे हटाओ नहीं तो उंगली जल जाएगी। अब सोचो कि अगर इसमें ब्रेन पार्टिसिपेट करता और प्रोसेसिंग में टाइम लेता तो उतने समय में तो उंगली जल जाएगी, है ना। इस वजह से इसमें क्या होता है कि इसको ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एंड स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स कहा जाता है बेटा। हालांकि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये एक तरह का इनवॉलेंट्री एक्शन है, है ना, वॉलेंट्री जो पार्ट होते हैं उनसे, ठीक है। अरे हमारे हाथ पैर ये कैसे ऑर्गन है, वॉलेंट्री ऑर्गन है, ठीक है। और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, कहने का मतलब है कि ये मतलब कि इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये झट से तुरंत काम करते हैं ताकि हमारे बॉडी को बचाया जा सके। तो अभी तक ये जो पॉइंट आपको रिफ्लेक्स एक्शन में दिया गया है, आपको जो बताया गया बेटा, आप उसको एक बार दो बार जरूर देखें। दूसरी चीज है कि जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, ठीक है, एनसीईआरटी की, उसको एक दो बार जरूर पढ़ें। साथ में अगर कोई रेफरेंस बुक है बेटा तो उसको भी जरूर पढ़ें, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि आप एक किताब को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ गए हो तो आपके एग्जामिनेशन जो हैं, जैसे आप बायो अगर पढ़ रहे हो तो नीट वगैरह के भी चांसेस होते हैं आपके, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही बुक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़े हैं, रेफरेंस बुक पढ़े हैं बेटा, ठीक है, जो और भी यूट्यूबर्स वीडियो अपलोड करते हैं, आपके स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी भी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है ये है ज्ञानी बाबा। अब इनको एक बात का ज्ञान नहीं है कि कंडीशन रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। अब इनका ज्ञानी बाबा को कंडीशन रिफ्लेक्सेस के बारे में नहीं पता, अभी बैठ के सोच रहे हैं। देखो बेटा, कंडीशन रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, जो हम डेली लाइफ में एक्शन करते हैं, है ना, उनको अगर रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए, है ना, रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया जाए, तो वैसे जो वॉलेंट्री एक्शन है बेटा, वॉलेंट्री एक्शन है वो हमारे, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन में बदल जाते हैं, और वैसे ही रिफ्लेक्स एक्शन को हम लोग कंडीशन रिफ्लेक्सेस कहते हैं। अब कहोगे कि ये कैसे, अब चलो तुम याद करो बाबू कि जब तुम पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, है ना, अब तुम सोच रहे थे उस टाइम फर्स्ट टाइम में जब तुम पहली बार साइकिल पर बैठे हो, है ना, साइकिल पर तुम पहली बार बैठे हो बेटा और तुमको साइकिल चलाना है, ठीक है। अब तुम सोच रहे थे पैंडल मारना है, हैंडल को संभालना है, ये तुम्हारा ब्रेन उस समय पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो कोई कुछ आ रहा है तो तुम्हारी हैंडल अनकंट्रोल हो जाती थी, तुम गिर भी जाते थे, लेकिन सोचो कि रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से धीरे 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 तुमको साइकिल चलानी आ गई, ठीक है। अब जब तुम सीख रहे थे उस समय की एक घटना याद करो कि तुम्हारे मोहल्ले का जो लालू है वो सामने आ गया, तुमने क्या किया था, या तो उसको धक्का मार दिया था या फिर तुम गिर गए थे, ठीक है, ये सोचने में कि ब्रेक ले कि क्या करे। लेकिन जब तुम्हारा कुछ समय बीत जाता है बेटा, तुम साइकिल चलाने लगते हो अच्छे तरीके से और अचानक से कभी कुछ तुम्हारे सामने आता है तो उस समय तुम्हें सोचना नहीं पड़ता है रे बाबू, तुम्हारा ब्रेक अपने आप लग जाता है और तुम साइकिल को बैलेंस करके रोक लेते हो। तो वो शुरू का जो वॉलंटरी एक्शन था बेटा, अभी तुम्हारा कंडीशन रिफ्लेक्स बन गया है। क्या बन गया है? कंडीशन रिफ्लेक्स बन गया। एक और एग्जांपल देना चाहते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, मजा आएगा ना। पहले क्या होता है कि जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, जब शुरू शुरू में बैट पकड़ते हैं, बॉलर बॉल को डिलीवर कर रहा होता है हमारे तरफ, तो बड़े गौर से देखते हैं गेंद कहां आ रही है, बैट को उठाते हैं फिर उसको हिट करते हैं। लेकिन खेलते खेलते क्या होता है कि हमारी आदत हो जाती है बॉल को हिट करने की और हम पहले से बेहतर खेलने लगते हैं। अब उतनी थिंकिंग का पार्ट हमारे उस खेल में नहीं रहता, ठीक है, हमारा जो बॉडी है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है कि हमको कब क्या करना है, समझ में आ रहे। अब मानकर चलो कि आप यहां फील्डिंग कर रहे हो बेटा, इधर से बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो आपको सोचना नहीं है कि हाँ बॉल को पकड़ने के लिए मुझे इस दिशा में दौड़नी है, ऐसे दौड़ना है, इतना तेज दौड़ना है, इतना स्लो दौड़ना है। आपका बॉडी उस काम को समझ चुका होता है पहले से ही कि भैया हमको ये काम करना है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो एक्शंस हैं, इनको कंडीशन रिफ्लेक्स कह सकते हैं, कहते भी हैं, ठीक है। तो कोई भी वॉलेंट्री एक्शन को रेगुलर प्रैक्टिस से उसको कंडीशन रिफ्लेक्सेस में बदला जा सकता है। अब एक और एग्जांपल है बेटा, जैसे कि शुरू में सोचो आप नर्सरी में पढ़ रहे हो या एलकेजी में पढ़ रहे थे या यूकेजी में पढ़ रहे थे, उस समय आपको लिखना सिखाया जा रहा था, है ना, जैसे क बोलकर
है ना, गोल गोल अंडा, गुरु जी का डंडा, है ना, इस तरह से सिखाया जा रहा था। आज क्या आप उतने ही स्लो प्रोसेस से क को लिखते हैं या लिखने की जरूरत है? नहीं। रेगुलर प्रैक्टिस से आपने क्या किया कि उस वर्क को आप तेजी से कर पाते हैं, उतना ज्यादा आपको थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन एक्शंस को हम लोग कंडीशन रिफ्लेक्सेस में बदल लेते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा, ठीक है। वो नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। क्या पढ़ना है बेटा? नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, जिससे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं वेयर सेंसेशंस रिक्वायर्स इमीडिएट रिस्पॉन्स। कभी कभी ऐसी समय, ऐसा समय आता है बेटा जबकि हमारे बॉडी के थ्रू क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है, सडन रिस्पॉन्स होना चाहिए बेटा। क्यों, आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है गुरुजी? डिले कॉज्ड ड्यूरिंग एनालिसिस, जब हमारा ब्रेन क्या करेगा, उसको एनालिसिस कर रहा है, जब हमारा ब्रेन उसको क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, तो भैया लग जाएगा इसमें क्या टाइम लग जाएगा, क्या लग जाएगा बेटा, टाइम लग जाएगा। तो डिले कॉज ड्यूरिंग एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन वुड बी हार्मफुल। अब देरी होगी तो क्या होगा कि हमारे, जब तक मैं, हमारा ब्रेन उस चीज को एनालिसिस करेगा, प्रोसेसिंग करेगा बेटा, तब तक हमारे शरीर को नुकसान हो चुका होगा, ठीक है। इन सच केसेस द बॉडी ऑपरेट्स रिफ्लेक्स एक्शंस। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे सर्टेन केसेस में, ऐसे सर्टेन सिचुएशंस में हमारा जो बॉडी है वो ब्रेन तक मैसेज को ना भेजकर स्पाइनल कोड से ही एक्शन को ले लेता है, ठीक है, ताकि हमारा शरीर उस हार्मफुल सिचुएशन से बच सके। इस वजह से हमारे बॉडी में नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन होता है बेटा, ठीक है। अब सोचो एक एक एग्जांपल, एक एग्जांपल बेटा, तुम यहां खड़े हो, तुम्हारा ये हाथ है, ठीक है, ये तुम्हारा हाथ है, ऐसा नहीं होगा हाथ तुम्हारा, लेकिन हाथ है मान लो, और तुम्हारे एक दोस्त ने, प्रिय दोस्त ने, हमेशा ऐसे मजाक कर लेते हैं, कोई पिन तुम्हारे हाथों में चुभोया। याद करो कि जब वो पिन चुभाएगा तो क्या करोगे, तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, अरे भैया सुमित तुम मेरे हाथों में पिन चुभा रहे हो, और तुम अपने हाथों को स्लो प्रोसेस से पीछे हटाओगे क्या? नहीं रे बेटा, तुम ऐसा नहीं करोगे। जैसे ही तुम्हारे हाथों में पिन चुभेगा, तुम अपने हाथों को झट से पीछे की तरफ खींचोगे, क्योंकि पिन का चुभना तुम्हारे बॉडी में एक हार्मफुल स्टिमुलस है बेटा। आगे बात समझ में? अब सोचो दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, अरे भैया हम अपने घर का एग्जांपल ले लेते हैं, लोना। घर में क्या जलाया जाता है, मस्कीटो कॉइल जलाते हैं लोग, मच्छर लगते हैं तो। और घर में अक्सर क्या होता है कि उसको चौकी या पलंग के नीचे रख देता है बेटा। अब तो नीचे रखा हुआ, नजर तो आया नहीं, तुम गए धड़ाम से रूम में, अभी वो जल रहा था, ठीक है, उसमें से धुआं निकल रहा है ना, और तुम्हारा पैर यहां पर क्या हुआ, पैर इसमें क्या कर गया, टच कर गया बेटा, पैर तुम्हारा क्या कर गया, टच कर गया, राइट। पैर टच करेगा तो तुम क्या करोगे, अरे भैया मेरा पैर जल रहा है, पैर को पीछे हटाओ, ऐसा सोचोगे क्या? नहीं रे भाई, तुम ऐसा नहीं करोगे। जैसे ही जलन का अनुभव होगा ना, आप तुरंत अपने पैरों को क्या करेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, है ना। तो ये जो यहां एग्जाम्पल दिया गया, यहां एग्जाम्पल दिया, ये हार्मफुल स्टिमुलस थे, और इससे आप अपने बॉडी को बेटा प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बॉडी ने क्या लिया, रिफ्लेक्स एक्शन लिया। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन आवर बॉडी बेटा। समझ में आ गया? अब तुम क्या करोगे, तुमको तो समझा दिया गया बेटा, अब आप लोगे क्या, गेस्ट पेपर लोगे, क्वेश्चन बैंक्स लोगे, और वहां से क्या शुरू करोगे बेटा, रट्टा मारना शुरू करोगे, रट्टा मारना शुरू करोगे। ऐसा करने का जरूरत नहीं है बेटा, आप क्वेश्चंस एंड आंसर्स को, है ना, सिर्फ आंसर, आंसर ही क्यों लिखेंगे बार बार, है, क्वेश्चन से कौन सी दुश्मनी है बेटा? याद रखना, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी प्रश्न को याद रखते हैं तो ज्यादा केसेस है, 90% केसेस होते हैं बेटा कि आपको उसका आंसर अपने आप याद रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस भी आपको पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस को भी बार बार पढ़ना चाहिए, और जितना आसानी से, जितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ोगे बेटा, आपका आंसर उतना ही अच्छे तरीके से याद होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट के तरफ, ठीक है, और वो है रिफ्लेक्स आर्क। वो क्या है बेटा, रिफ्लेक्स आर्क। चलो देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ठीक है, सीधी सीधी इसके डेफिनेशन पर बात करेंगे अभी, ठीक है, डेफिनेशन पर बात करेंगे बेटा। द पैथवे टेकन बाय अ स्टिमुलस
ठीक है, पैथवे का मतलब क्या होता है बच्चा, रास्ता होता है रे बेटा, द पैथवे टेकन बाय अ स्टिमुलस, ठीक है, टू ट्रेवल फ्रॉम रिसेप्टर, पता है ना, जो रिसीव करता हो स्टिमुलस को उसको रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं, ठीक है, टू इफेक्टर। अब इफेक्टर क्या होता है बेटा, उस स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स देगा ना बेटा, वो उस ऑर्गन को इफेक्टर ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो फिर से आते हैं, द पैथवे टेकन बाय अ स्टिमुलस टू ट्रेवल फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू इफेक्टर ऑर्गन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तेरा एक नंबर का डेफिनेशन यहां मिल गया बेटा, इसको जरूर याद रखना। अब ये तरीका क्या है, देखो स्टिमुलस हो गया, ठीक है, ये स्टिमुलस है। अब स्टिमुलस में मान के चल जलती हुई मोमबत्ती है बेटा, बार बार सर मोमबत्ती जला रहे हो तो आग लगा दूं, ले आग लगा दिया, ठीक है, स्टिमुलस है ये हीट, ठीक है, ये क्या रिलीज कर रहा है बेटा, हीट। ये कहां मिला, रिसेप्टर ऑर्गन, यानी कि वो आपका बॉडी का पार्ट जो इस हीट के कॉन्टेक्ट में है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन से उस हीट के इंपल्स को कौन लेकर जा रहा है बेटा, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन किसको लेकर जाकर देगा, सीएनएस को, सीएनएस को लेकर जाकर दिया, तो वहां से सीएनएस जो है वो किसको दे देगा बेटा, मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन कहां लेकर जाएगा बेटा, इफेक्टर ऑर्गन को। अभी अभी मैंने बताया इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है, और इफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा बेटा, रिस्पॉन्स देगा, क्या देगा बेटा, रिस्पॉन्स देगा। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स आर्क का पैथवे, और ये हो गया रिफ्लेक्स आर्क का डेफिनेशन, ठीक है। आप इस तरह से भी समझा सकते हो, स्टिमुलस, ठीक है, रिसीव किया गया रिसेप्टर के द्वारा, उस स्टिमुलस को, उस इंपल्स को लेकर चला कौन, सेंसरी न्यूरॉन, कहां लेकर गया बेटा, आपके स्पाइनल कोड में, यानी कि सीएनएस के पास, ठीक है। और वहां पर कौन है, रिले न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन क्या होता है अभी बताएंगे, ठीक है। हालांकि पिछली वीडियो में भी आपको सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन के बारे में बताया जा चुका है बेटा, वहां पर एक बार जरूर विजिट करेंगे आप, ठीक है। मोटर न्यूरॉन कहां जाएगा, मोटर न्यूरॉन जाएगा इफेक्टर ऑर्गन के पास, ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन, और इफेक्टर ऑर्गन क्या देता है बेटा, रिस्पॉन्स देता है। ये वाली पॉइंट जरूर याद रखिएगा। बढ़े हम लोग नेक्स्ट, जो आपका रिफ्लेक्स आर्क है, इसको तो आपने जरूर देखा होगा, ई का है बबुआ, ई है आपका रिफ्लेक्स आर्क का एक ऐसा डायग्राम जो आपको समझाए होता क्या है। अब पहली पोजिशन में आपका हाथ जो है बेटा, ई जो बाबू है, ज्ञानी बाबा, इनका हाथ इस सिचुएशन में होता है, ठीक है। ई क्या है, आग लग गई है, आग लग गई है तो क्या निकल रहा है बेटा, हीट, और हीट यहां पर क्या है बेटा, स्टिमुलस है। समझ में आ गई बात, इतना बात याद आ गया। अब ये जो आपकी उंगली है, यहां पर मैंने बताया है कि जब आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का आप लोग मेरी फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो रिसेप्टर्स के बारे में बताया हूं मैं, थर्मो रिसेप्टर्स, गस्टेटो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, है ना, फोटो रिसेप्टर्स, सारे रिसेप्टर्स का लगभग मैं नाम बताया हूं बेटा, वहां जरूर ध्यान देना, ठीक है। तो यहां जो रिसेप्टर लगे हुए हैं, इस स्टिमुलस को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो, अच्छा ले लेता हूं, दूसरा कलर ले लेता हूं बेटा, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, चलो ठीक है। ये देख रहे हो, यहां से आपका जो सेंसरी न्यूरॉन है उस इंपल्स को लेकर चल रहा है, ठीक है। अब वो सेंसरी न्यूरॉन लेकर गया, ये सेकेंड पोजीशन है आपका हाथ का, याद रखिएगा, जो उठा हुआ हाथ है ये सेकेंड पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन में अभी ये सेंसरी न्यूरॉन इस इंपल्स को लेकर चल रहा है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है सेंसरी न्यूरॉन, और यहां सेंसरी न्यूरॉन आ गया आपके स्पाइनल कोड के पास, ठीक है, स्पाइनल कोड। अब मैं फिर से बताऊं बेटा, तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है वो सीएनएस जो है, उसमें सीएनएस के बेटा दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है और दूसरा होता है बेटा स्पाइनल कोड होता है, ठीक है, स्पाइनल कोड होता है, ठीक है, क्या होता है, स्पाइनल कोड होता है। तो ये जो आप देख रहे हो, यहाँ स्पाइनल कोड है बेटा, तो यहां तक आया, अब ये मैसेज यहां से ब्रेन के पास भी जाएगा, लेकिन ब्रेन इसको प्रोसेसिंग में नहीं लेगा, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन, ये स्पाइनल कोड को पता है कि ये एक हार्मफुल सिचुएशन है और इसमें प्रोसेसिंग का, एनालिसिस का टाइम नहीं लिया जाएगा। ये झट से क्या करेगा कि ये इंटर न्यूरॉन, जिसको रिले न्यूरॉन भी कहा जाता है बेटा, ठीक है, कनेक्टर न्यूरॉन भी कहा जाता है बेटा, एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहा जाता है बेटा, ये इसको दे देगा, झट से दे देगा, बिना डिले किए हुए दे देगा। और ये जो इंटर न्यूरॉन है, ये आपके क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन को दे देगा, किसको दे देगा, मोटर न्यूरॉन को दे देगा, ठीक है। मोटर न्यूरॉन को करना क्या है, ये मैसेज लेकर आएगा, करना क्या है, ये मैसेज लेकर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है,
और ये दे देगा इफेक्टर ऑर्गन को, क्या दे देगा बेटा इफेक्टर ऑर्गन को, और जैसे ही ये इफेक्टर ऑर्गन को ये मैसेज देगा कि भैया मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो नहीं तो उंगली जल जाएगी, फटाक से यहां पर क्या होगा, ये जो मसल है बाइसेप जो है बेटा ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, और कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ये हाथ का पोजिशन यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इस तरह से ये मैकेनिज्म जो है काम करता है हार्मफुल स्टिमुलस से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे कि एक वीडियो देखना बनता है। चलो बेटा यहां पर देखते हैं, ठीक है, यहां पर देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको देखेंगे। अब देखो बेटा, ये जो है आप देख रहे हो, ठीक है। अब देखो यहां से ये कैंडल जल रही है, ठीक है, यहां से सेंसेशन गया, ठीक है, और जाकर देख रहे हो ये चला गया तुम्हारे स्पाइनल कोर्ड के पास। ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है ये रिले न्यूरॉन है बेटा, और ये मैसेज दे दे रहा है तुमको मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन हमारे बाइसेप में आ रहा है, और ये ऑर्डर दे रहा है कि हाथ को देखो पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, पीछे हटाओ। ये रिफ्लेक्स आर्क है बेटा, ये रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये जो पैथवे है जो कि हमारे रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन गया 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 कहां गया, रिले न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कोर्ड के पास, और रिले न्यूरॉन बिना देरी के मोटर न्यूरॉन को मैसेज देता है कि भाई ऐसा करो, इस जो हमारे बाइसेप है उनको ये मैसेज देता है कि अपने हाथ को पीछे हटाओ, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा बेटा और यह हाथ अपने आप ऊपर उठ जाएगा बिना देरी किए हुए, और हमारा हाथ इस हार्मफुल स्टिमुलस से दूर हो जाएगा, ठीक है, और हमारा बॉडी क्या हो जाएगा बेटा प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखते हैं हम लोग एक और चीज, ठीक है, आपके स्क्रीन के सामने फिर से आ गया, ठीक है बेटा, इसको देख लेते हैं हम लोग। चलो ये है नीजर, क्या है बेटा नीजर, समझ गए नीजर। अब इसको पैटेलर टेंडन या रिएक्शन भी कहते हैं। अब पहले केस में आपका पैर इस तरह से था, ठीक है, जैसे ही कोई हैमर से बहुत जोर से नहीं मारना है नहीं तो भैया इनकी जो ये घुटना है टूट फूट सकता है ना, हल्का टच करना है वहां पर, हल्के से टच करना है। अब ये नहीं कि घर पे आप प्रैक्टिस करना, मार देना बड़े हथौड़े से कि उसका पैर कभी उठे ही नहीं, ठीक है, ऐसा घर पे प्रैक्टिस नहीं करना है बेटा, ठीक है, हल्के से इस पे टच करना है। और ये देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है यहां से आपका जो सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, ये हो गया रिसेप्टर ऑर्गन, यहां से क्या हो गया कि सेंसरी न्यूरॉन जो है गया 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 और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा। यहां पर है बेटा आपका रिले न्यूरॉन, ठीक है, रिले न्यूरॉन क्या कर रहा है, मैसेज को पास कर रहा है किसको बेटा, मोटर न्यूरॉन को, ठीक है, और मोटर न्यूरॉन ये मैसेज लेकर आ रहा है, ठीक है, कि भैया आप क्या करो कि पैर में एक रिफ्लेक्स दो, ठीक है, जैसे यहां चोट लगेगी, पैर देख रहे हो, पैर देख रहे हो, इसको ध्यान दो, यहां पर यहां से वो पैर यहां तक मूव कर गया, ठीक है, मूव कर गया। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन का यहां भी हमारे नी जर्क के थ्रू एक तरह का एग्जांपल देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या बातें की, ठीक है, हम लोगों ने समझा किस चीज को, समझा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कैसे है, और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, इसका हम लोगों ने पैथवे भी देखा, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियोस के साथ, आप रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें और मस्त रहें, हेल्दी रहें, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।